हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन व्लॉगर सपनवी। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है, संडे स्पेशल व्लॉग। 2 दिन से मैंने व्लॉग नहीं डाला क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी और डेली रूटीन तो मैंने पहले ही डाला था। तो आज है संडे स्पेशल व्लॉग। तो नाश्ते में बना रही हूँ मैं पास्ता। और आज अनंत चतुर्थी है, मतलब आज गणपति विसर्जन है। 10 दिन हो गए हैं तो हम स्पेशल पूजा करते हैं, तो वो भी पता है। तो आज नैवेद्य के लिए भी हम कुछ बनाएंगे, पर आज मैं आपके साथ स्पेशली शेयर कर रही हूँ पास्ता की रेसिपी। सिंपल एंड इजी और इंस्टेंट रेसिपी है। तो चलते हैं किचन में और करते हैं रेसिपी स्टार्ट। चलिए, यहाँ मैंने पास्ता बॉईल करने रखा है। यहाँ मैंने 3 कटोरी पास्ता लिया है और उसमें थोड़ा सा नमक और तेल डाल दिया है पानी गर्म होने के बाद। और उसके बाद पास्ता बॉईल करना है हमें। इसे जब तक बॉईल करना है जब तक ये पूरा सॉफ्ट नहीं हो जाता है, क्योंकि जब हम इसकी इसमें जो तड़का लगाएंगे, मसाला बनाएंगे, उसमें ये पकता नहीं है। तो जितना पकाना है इसे सॉफ्ट होने तक इसी में पकाना, कच्चा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो पेट दुखता है। और इधर मैंने कुकर में लगाई है पालक की दाल। देख सकते हैं, मतलब इसको चेक कर कैसे करना मैं बताती हूँ। मैंने तो ना इसलिए तो देखिए, ये ऐसे हाथ से टूटना चाहिए, इतना सॉफ्ट हमें पका लेना है इसको। नहीं टूटे तो उसे और पकाइए, क्योंकि ये बाद में पकेगा नहीं। और मैं लेती हूँ अब स्ट्रेनर। और स्ट्रेनर में इसको हम निकाल लेंगे। इसको पकने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट का समय लगता है। लार्ज क्वांटिटी में होगा तो ज़्यादा समय लगता है। ये इंस्टेंट पास्ता की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है। इसे हम ठंडा होने देंगे। तो कुकर हो गया है दाल का, तो दाल का तड़का हम बाद में लगाएंगे, कुकर ठंडा होने के बाद। इसको उठा के रख देती हूँ। पहले हम बनाएंगे पास्ता। बाबू मैं क्या बोल रही, पहले नाश्ता दे देती फिर उसके बाद चाय देती हूँ। वो साथ में पी लेना ना, वो उठने का है नाश्ता। काढ़ा दूंगा थोड़ा सा, काढ़ा दियो। तो पहले हमारी डिमांड आई है काढ़ा पीने की, क्योंकि सर्दी सर्दी लग रही है थोड़ी सी। काढ़ा बनाते हैं। 1 कप पानी, 2 सेक्शन खाली लग रहा होगा क्योंकि मुझे 2-3 कॉकरोचेस दिखे थे, तो मैंने ये सेक्शन में पूरा स्प्रे कर दिया था। तो ये सेक्शन में पूरा सामान निकाल के मैंने बाहर रख दिया, धोने के लिए दे दिया, क्योंकि स्प्रे की वजह से पूरा खराब हो गया था। 2 ही कॉकरोच मिले, 2 ही मिले छोटे छोटे, पर मैंने पूरा स्प्रे कर दिया था। तो चलते हैं काढ़ा बनाते हैं। मैं जाएगा पहले ये सूंठ पाउडर है, थोड़ा सा थोड़ी सी दालचीनी, एक लौंग, ये एक इलायची, ये भी डालेंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे इसको। हाँ कितनी आई, कितनी तितली कहाँ गई। देखो ये सामान यहाँ रख दिया। वाव, वो बटरफ्लाई। पानी पी रही है वो, जो उस पर पानी है टाकी के झक्की पे, वो पी रही है। स्ट्रॉ से पी रही है, उसका स्ट्रॉ रहता है, वो भी उससे पी रही है। कितना देर पियोगी दीदी? और तितली दीदी कितना देर पानी पियोगी? इलायची हो गई, लवंग हो गई, और क्या डालते हैं? काली मिर्च डालते हैं इसमें, काढ़े में नहीं, मैं काढ़ा चाय मसाला। काली मिर्च, लवंग, इलायची, कल नहीं, अभी इंस्टेंट बना रही हूँ ठोस ठोस के। हाँ तो ये काली मिर्च डाल, हाँ वही तो पूछ रही मैं, काली मिर्च चाहती, थोड़ा सा लवंग डाल। लवंग एक ही डाली, नहीं तो ज्यादा गर्म हो जाएंगे। इलायची, इलायची के दाने लिए, काली मिर्च, इलायची, लवंग और दालचीनी,
और अजवाइन भी डालते हैं। कोई सौंफ गर्मी होती है, अभी गर्म हो रहा ना, थोड़ा सा सौंफ डाल और सुंठ डाल। सुंठ डाल, सुंठ नहीं है तो सुंठ पाउडर बदल सकता है ना, मैंने वो डाल। हाँ, और सुंठ नहीं तो अदरक डालना। लकवान सु, ये देखो कल हमसे गुस्सा हो गया, आज मेरी बात नहीं कर रही है, कभी कभी आ रहा है। नहीं बात करना, नहीं बात करना इससे। पीछे पीछे कल से मम्मी के पास मम्मी ने बात नहीं की है तो क्या मम्मी से क्या बात करो करके मम्मी के पीछे पीछे आ रहा है। मम्मी मुझे माफ कर देगी घर की। अरे तो खाना ना, कैसा लगता है मम्मी ने बात नहीं किया तो? है नहीं करना चाहता मैं बात, बिल्कुल आदत नहीं ना। कल से मेरे पीछे पीछे आ रहा है, वो देख रहा है मुझे, मैं बात नहीं कर रही तो मुझे मार्केट में नहीं लेकर गया ना, बात ही नहीं कर रहा है, मैं बात नहीं कर रही कल से, तो वो देख कैसा कर रहा है, पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि मम्मी बात नहीं करेगी तो अच्छे से खाना नहीं मिलेगा। वैसे भी इस बार मार्केट में कुछ लाया नहीं है तो कुछ मिलेगा ही नहीं अच्छा। देख चले 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 अभी जाने, मेरे हाथ में दगड़ है ना। कैसा लगा खुशू? तो क्या उठने से उठते ही पहले मुझे चिपकता है। ये देखो ये एक जप्पी चाहिए, जप्पी, जादू की जप्पी। अरे बाबा चल को, मेरे गैस चालू है। नहीं तो आप इसका पाउडर भी बना के रख सकते हैं। और मैंने एक कप पानी लिया है तो उसको हमें पूरा पका के आधा कप पानी करना है। क्या हुआ गुड़िया रानी, बड़ी सयानी? शक्कर एक चम्मच। चलो अभी पास्ता की तैयारी करते हैं, बीच बीच में रह ही जाता है कुछ ना कुछ। लगेगा बटर, थोड़ा सा चीज क्यूब, चीज ऊपर से डालने के लिए। वेजिटेबल्स लेंगे अभी सबको, सामान सबको। किसी का नहीं तो यहाँ कॉर्न लिए मैंने जो हम निकाल के रखते हैं, छोटा सा कैरेट और कैप्सिकम। ये बटर है मतलब इसमें थोड़ा सा लगा है, इसको मेल्ट करके निकाल लेंगे। ये चम्मच से कैसे बताऊं, तो भी हमने क्वांटिटी ज्यादा ही ली है क्योंकि हम व्हाइट सॉस कर रहे हैं और सॉस को हमें बटर में ही बनाना पड़ता है। तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ लोग जिनके पास बटर अवेलेबल नहीं होगा, पर जो बटर का जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छा था। तो अच्छे से हमें पहले सॉस ये करना है, सब्जियां सॉटे, सब्जियां सॉटे करके निकालनी है। तो थोड़ा सा बटर कर लेंगे, थोड़ा सा बटर मैंने यहाँ लगा लिया पैन को। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी लीजिए, मैं थोड़े से लेती हूँ और वॉश कर लेती हूँ क्योंकि ये फ्रिज में रखे हैं। तो सब्जियों को सॉटे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसका जो कच्चापन है वो चला जाए, क्योंकि हम जब सॉस में डालेंगे तो पकेंगी थोड़ी, हमें उसे पकाना थोड़ी के, तो जो भी सब्जियां और पास्ता है वो हमें स्टार्टिंग में ही पकाना है। सब्जियां आपको कैसी चाहिए, आपको कौन सी पसंद है वो आप डाल सकते हैं, जो अवेलेबल हो वो।
चिकन को भी अच्छे से सौटे कर लेंगे। बटर में सॉल्ट होता है और चीज़ में भी सॉल्ट होता है, तो हमें इसे सॉल्ट थोड़ा कम भी डालना है। कैप्सिकम सबसे लास्ट में डालना क्योंकि वो कलर चेंज होता है फिर उसकी वजह से, ज़्यादा पक गई तो, और जल्दी पक जाती है, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं उसे, जल्दी पक जाती है। सबसे वक्त लगता है कॉर्न को, और कॉर्न भी जल्दी पक जाएंगे, गाजर को, गाजर को और कॉर्न को वक्त लगता है इसलिए पहले उसको डाल दिया। तो वेजेस सॉल्ट करके हो गया, हो कांती है दिव्या, दिव्या जिंकली ना ओटीटी मध्ये, बिग बॉस ओटीटी मध्ये, निशा दिव्या सेम पैन लेंगे, इसमें डालेंगे हम बटर। स्टार्टिंग में थोड़ा सा बटर डाला था, हम ज्यादा बटर डालेंगे। तो यहाँ मैंने दो चम्मच जितना बटर लिया, सेम पैन यूज करेंगे, कोई बर्तन खराब करने की जरूरत नहीं है। बटर मेल्ट हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे मैदा। तो हमें सॉस की क्वांटिटी बटर और हाँ नीचे के पोच के दोनों ना, और इससे ही बनानी है मैदे से। तो मैंने दो बड़े चम्मच बटर लिया है, तो दो छोटे चम्मच में मैदा लूंगी, आप सेम भी रख सकते हैं और आपको कम लगता है, पर इसको भूनना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैदा अच्छे से भूनना चाहिए बटर में, हमें उसको भूनना है, बटर में अच्छे से भूनना है। तो आप सोच सकते हैं कि दो चम्मच मैदा को कितना क्वांटिटी बटर लगेगा, अच्छे से भून लेना है, नहीं तो वो मैदा का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। पर जलाना भी नहीं है, भून लेना है हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक। क्या मस्त स्मेल आ रही है बटर की। दूध डालना है, पर मेरा कैसा है कि मैं डायरेक्ट दूध नहीं डालती हूँ क्योंकि फट सकता है या फिर बहुत गर्म होता है। थोड़ा सा पानी डालते हैं क्योंकि पानी और दूध दोनों डालना है, तो थोड़ा सा पानी डाल देते हैं पहले, फिर उसके बाद दूध डालते हैं। और आपको लिक्विड की कंसिस्टेंसी पानी और दूध से ही मैनेज करनी है। देखिए तो मैं यहाँ एक कप पानी लेती हूँ, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदा को अच्छे से देखिए पानी डालते से ही ये कैसे एकदम चेंज हो गया, ऐसे ही हमें इसको पकाना है, ये ठीक हो जाता है, पानी जल्दी अब्सॉर्ब कर लेता है। अब एक कप दूध डाल देती हूँ, सो ये व्हाइट सॉस तैयार हो गया। अब हम इसमें डालेंगे हर्ब्स, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आपको जो थोड़ी लिक्विड कंसिस्टेंसी रखना, एकदम गाढ़ा रखे तो उसको पास्ता को कोट नहीं आएगा बराबर, थोड़ा पतला थोड़ा गाढ़ा ऐसे रखना, और जो लम्स हो जाते हैं वो निकाल लेना। तो हमारा व्हाइट सॉस तैयार है, व्हाइट सॉस बन के तैयार है, इतना यम्मी लग रहा है। ये मेरी रेसिपी है क्योंकि मैं सोचती थी व्हाइट सॉस, कैसे मैंने ढूंढा कि मैदे से भी हम घर में व्हाइट सॉस बना सकते हैं, तो तब से मैं व्हाइट सॉस घर में बनाती हूँ मैदे से, और फिर इसके बाद हम पास्ता बनाते हैं। सो ये हो गया सॉस रेडी, इसको थोड़ा सा पकने देंगे, स्टोर करते रहेंगे, जलना नहीं है। और सॉस की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से सेट कीजिए, तब तक मैं चाय चढ़ा देती हूँ क्योंकि एक जन के लिए मैंने बनाया काढ़ा, एक जन के लिए बनाएंगे चाय, सबका अलग अलग डिमांड होता है। चाय के लिए मैं एक कप पानी और डेढ़ कप दूध का यूज़ करती हूँ क्योंकि थोड़ा दूध पानी से ज़्यादा रखे तो चाय का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, पर प्योर वैसे दूध का ही नहीं बनाती, नहीं तो वो ज़्यादा ही मीठा लगता है। जो मैंने काढ़ा बनाया था उसमें से जो बचा है, जो इसमें बचता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको फेंकना नहीं, थोड़ा सा पानी डाल के डाल देना, उससे चाय का टेस्ट अच्छा आता है क्योंकि हर बार वो सारे फ्लेवर उसमें आ जाते हैं नहीं है, क्योंकि वो कितना भी बॉइल करो तो फ्लेवर रह जाते थोड़ा, तो उसमें डाल देंगे। पर इंस्टेंट डालना, ऐसा नहीं कि अभी उसको निकाल के रखे बहुत दिनों तक और फिर डाले, वो नहीं करना, इंस्टेंट डाल सकते हैं। देखो मेरे को जैसे कंसिस्टेंसी चाहिए थी वैसी हो गई है, तो अब इसमें जाएगी ये सॉटे किए हुए सब्जी, इसको अच्छे से साथ में कर लेंगे, कितना कलरफुल लग रहा है सी। इसमें नमक, नमक थोड़ा संभाल के क्योंकि बटर में भी नमक होता है, एकदम थोड़ा सा ही डालेंगे हम,
चिली फ्लेक्स थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए। काली मिर्च इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम इसमें चिली पाउडर नहीं डाल सकते। चिली पाउडर डालेंगे तो वो रेड कलर हो जाएगा, वो रेड पास्ता बन जाएगा। तो भी मैंने चिली फ्लेक्स डाली क्योंकि गार्निश के लिए हम फिर ऊपर से चिली फ्लेक्स लेते ही है, इसलिए मैंने इसमें डाल दी थोड़ी सी एकदम यम्मी, जैसे हम वो चीज बनाते हैं ना पिज्जा वगैरह में टॉपिंग होती है उसमें जो डालते हैं, एकदम वैसा एकदम सॉसी फ्लेवर आया है। इसी पास से दिखाती हूँ, यम्मी लग रहा है ना, थोड़ा टेस्ट भी कर लेती हूँ, परफेक्ट है। अब इसमें पड़ेगा ऑर्गेनो, हम जो पिज्जा वाला लाता है उसमें से जो बचता है उसी का यूज करते हैं। और आपको इस सिचुएशन में लगता है कि थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है सॉस क्योंकि पक रहा है और हमने स्टार्टिंग में पानी कम डाला, तो आप इसमें दूध भी डाल सकते हैं, पानी भी डाल सकते हैं। सॉस की कंसिस्टेंसी परफेक्ट है इसलिए हम नहीं डालेंगे। आप पतला करने के लिए इसमें दूध डाल सकते हैं, पानी भी डाल सकते हैं। सो रहेगा पास्ता जो कि मैंने बॉइल कर लिया था। देखिए पास्ता इस हाथ से टूटना चाहिए इजीली, आप खा के भी देख सकते हैं आपको लगा कि हाँ पक गया है तो। पास्ता को बॉईल किया है नमक और थोड़ा सा ऑयल और पानी में अच्छे से, और उसके बाद उसको निकाल लिया है और सादे पानी से वॉश कर लिया, वो पार्ट मैंने शूट नहीं किया। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मार्केट में जाके खाने से अच्छा है घर में बना के खाओ और कुछ ना कुछ नया सीखो। तो मैं आपको सिखा ही रही हूँ तो आप घर में ट्राई करके देखिए घर के इंग्रेडिएंट्स है। आपके पास ऑरेगानो नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, या फिर मार्केट में छोटी छोटी बॉटल्स मिलती है। कभी भी सॉसेस और ऑरेगानो वगैरह जो चीज़ें होती है वो छोटे पैक में ही लाना क्योंकि वो हम रेगुलर ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तभी अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो बड़ी ला सकते क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं और उसको ज़्यादा दिन का यूज़ करना अच्छा नहीं होता। सो रेडी है हमारा वाइट सॉस पास्ता, ये सर्व करते हैं और ओपिनियन लेते हैं कि कैसा बना है। हमारे जज बैठे हैं हॉल में। और आपको जो और बहुत ज्यादा सॉस वाला भी बनाते हैं कुछ लोग बहुत ज्यादा, तो उसमें पास्ता की क्वांटिटी कम होती है और सॉस की ज्यादा होती है, बस प्रोसीजर सेम है। पास्ता में थोड़ा जो हम जो पास्ता की जितनी क्वांटिटी मैंने ली है उसे थोड़ा कम कर देना, बस हो जाएगा। क्योंकि फ्रिज से बाहर फ्रिज का यूज करते हुए अपने क्या वो हो जाता है एकदम हार्ड रहता है, ये तो प्रॉब्लम हो जाती है। और इस बार हमने क्यूब वाला लाया है तो जितना लगता है उतना एक क्यूब यूज कर सकते हैं, नहीं तो हर बार कैसे वो पूरा निकालो बाहर। आप ये चीज इसमें भी डाल सकते हैं ग्रेट करके तो वो थोड़ा चीजी फ्लेवर आ जाएगा। तो चलते हैं पास्ता लेके टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। वो टॉवल क्यों लेके बैठे हो, सर्दी हो गई, सर्दी लग रही है। मार्केट से अच्छा है कि मार्केट जैसा है, है ना फ्रेश फ्रेश रेडी। ये है वाइट सॉस पास्ता रेडी।
तो चलिए इस व्लॉग को यही स्टॉप करती हूँ मैं, और शूट कर रही हूँ तो वो थोड़े देर बाद तो नेक्स्ट व्लॉग में जाएगा, ये व्लॉग बड़ा हो जाएगा इसलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए। बाय बाय।